अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से बीए, बीएससी, एमए, एमएससी पार्ट टू के जो ऑनलाइन पेपर होने उनके पेपरों के मुतालिक के उनके जो सैम्पल पेपर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी ये पेपर किस तरह कंडक्ट करेगी और आपने ये पेपर सैम्पल पेपर कहाँ से किस लिंक से चेक करने हैं, इसके लिए आपने वीडियो को देखना है लास्ट तक। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब। ऑनलाइन डेट शीट के बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, फिर मैं आपको एक मरतबा दिखा देता हूँ। जो पार्ट टू के पेपर होने हैं बीए बीएससी पार्ट टू के पेपर होने हैं वो 22 जुलाई से स्टार्ट होंगे और 25 अगस्त तक वो पेपर होने हैं। ऑनलाइन पेपर होने लाजमी हैं क्योंकि सैंपल पेपर अपलोड करने का मकसद यही है ताकि स्टूडेंट्स को गाइडलाइन दी जा सके सैंपल पेपर के ज़रिए। तो आपने जो सैंपल पेपर हैं ये किस तरह चेक करने हैं, आपने पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करना है, पीयू सर्च कर लेना है। तो लिंक मैं आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ये होम पेज आ जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी का, तो आप नीचे आएंगे, नीचे आते जाएं, लास्ट में आ जाएं, लास्ट में आपको ये ऑप्शन मिलेगा एग्ज़ामिनेशन। एग्ज़ामिनेशन में आप यहाँ पे देखें, एग्ज़ामिनेशन में आपको ऑप्शन सबसे आखिर में ऑप्शन मिलेगा सैम्पल पेपर फॉर ऑनलाइन असेसमेंट। ये आपने लिंक है, इसे आपने ओपन कर लेना है। तो इस लिंक से आप जो सैम्पल पेपर हैं अभी बीए बीएससी पार्ट टू के कुछ पेपर अपलोड हुए हैं, आर्ट सब्जेक्ट के भी कुछ जो सैम्पल पेपर हैं वो भी अपलोड कर दिए हैं यूनिवर्सिटी ने। और उम्मीद है इस हफ्ते में सारे पेपर बीए बीएससी पार्ट टू के अपलोड हो जाएंगे। ये देखें अभी ये पेपर हैं जो साइंस सब्जेक्ट के ज़्यादा जो पेपर हैं वो तो अपलोड हो गए। आर्ट सब्जेक्ट में सोशियोलॉजी है, फारसी है और ये और भी कुछ सब्जेक्ट हैं जो अपलोड हो गए हैं, जिस तरह हिस्ट्री है, ये पेपर अपलोड हो गए हैं। यहाँ पे बीए बीएससी पार्ट टू के जो स्टूडेंट्स हैं वो इन सैम्पल पेपर्स को लाजमी देखें। और ये आपको बता दूं, मरूजी इसमें देखें आप, ये खाली जगह भी है, कुछ मरूजियाँ ऐसी भी आएंगी जो आपको ख़ुद टाइप करनी पड़ेंगी कीबोर्ड से। तो जो मरूजियाँ हैं वो सब ऐसी नहीं आएंगी जिनमें आपने सिर्फ क्लिक करना है, कुछ मरूजियाँ जिस तरह मैंने आपको दिखाई वहाँ पे आपको लिखना भी पड़ेगा कीबोर्ड से, खाली जगह को पूर भी करना पड़ेगा। ये देखें पेपर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, एक और पेपर देख लेते हैं। 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर के एमसीक्यूज आने आपको जो आपका ऑनलाइन पेपर होंगे आपके उसमें। अब इसमें एक अहम चीज़ ये है, यूनिवर्सिटी ने बाकायदा ये भी लिखा है नीचे कि आपने सिर्फ मरूजी की तैयारी नहीं करनी, आपने मुकम्मल दोनों सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तैयार करने। तो ये यूनिवर्सिटी ने तब कहा, अगर 15 जुलाई को यूनिवर्सिटी नहीं खुलती तो फिर आपके ऑनलाइन पेपर लाजमी होंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि ये ऑनलाइन पेपर किस तरह होंगे, तो इसमें ज़्यादा चांस ये हैं जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जो लैब है, कंप्यूटर लैब है, वहाँ पर आपके पेपर होंगे। तो वहाँ जो कंप्यूटर रखे होंगे उन पे आपके पेपर होने हैं अभी, लेकिन इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया है यूनिवर्सिटी ने कि आपके पेपर किस तरह होंगे। जैसे कोई अपडेट आती है इस बारे में आपसे जल्द से जल्द वो शेयर करूँगा और आपको तरीक़ाकार समझा दूँगा। तो आपने अपनी तैयारी जारी रखनी और इन सैम्पल पेपर्स को लाजमी से देख लेना है। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।